भाई सुजान जी। उपरोक्त महान वाक का भावार्थ यह है कि जो परमात्मा के नाम का सुमिरन करते, उसको मानते, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वह सदा मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो स्वयं भक्ति भाव पर चलते हैं, वह दूसरों को भी पार उतार देते हैं। साथ ही दाता का फरमान है कि गुरु जी का वचन जिंदगी भर ना भूले, हृदय में बसाया जाए। गुरु जी का वचन यह तो सबका आसरा है, उसके आसरे ही जीवन व्यतीत करते हैं। भाव यह कि गुरु घर में हुक्म मानना, नाम का सुमिरन तथा सेवा ही महत्व रखती है, यही सिखी जीवन सर्वश्रेष्ठ है। सेवा और नाम सिमरन करने वाले सिखों में एक सिख वैद्य सुजान जी भी आते हैं। श्री कलगीधर जी की आप पर दया दृष्टि हुई थी, जन्म मरण के चक्र कट गए थे। वैद्य सुजान जी लाहौर के रहने वाले थे, फारसी पढ़ने के साथ वैद्य हकीम भी बने थे तथा फारसी की कविता करते थे। वह हिकमत करते तो उनका मन अशांत रहता। मन की शांति ढूंढने के लिए एक कवि मित्र के साथ श्री आनंदपुर जा पहुंचे। उस समय श्री आनंदपुर में सतगुरु जी के पास 52 कवि थे। आप कवियों का बहुत सम्मान करते थे, उनकी महिमा सारे उत्तर भारत में थी। भाई सुजान जी आए, 2 दिन तो श्री आनंदपुर शहर की महिमा देखते रहे। जब सतगुरु जी के दरबार में पहुंचे, वे दर्शन किए तो सतगुरु जी ने अद्भुत ही खेल रचा। जब दर्शन करने गए भाई सुजान ने सतगुरु जी के चरणों पर माथा टेक कर नमस्कार किया, तो उस समय सतगुरु जी ने एक अनोखा वचन किया। हे सुजान, तुम तो वैद्य हो, दीन दुखियों की सेवा करो, चले जाओ, दूर चले जाओ तथा सेवा करो, उसी में तुम्हें शांति प्राप्त होगी, पार हो जाओगे, दौड़ जाओ। महाराज, कहाँ जाऊं? भाई सुजान ने पूछा। दौड़ जाओ, तुम्हारी आत्मा जानती है कि कहाँ जाना है, अपने आप ले जाएगी, बस आनंदपुर से चले जाओ। फिर नहीं पूछा, चरणों पर नमस्कार की, सारी भूख मिट गई, पानी पीने की तृष्णा नहीं रही, जूते पहनना भूल गया, नंगे पांव भाग उठा। कीरतपुर पार करने के पश्चात सरसा पार कर गया, वह भागने से ना रुका, एक सैनिक की तरह भागता गया। सूर्यास्त होने वाला था, चरवाहे पशुओं को लेकर जा रहे थे, वह भागता जा रहा था, उसकी मंजिल कब खत्म होगी यह उसको पता नहीं था। हाँ, सूर्यास्त होने के साथ ही एक नगर आया, वहां दीवारों के पास जाकर उसको ठोकर लगी, जिससे वह मुख के बल गिर पड़ा। गिरते हुए उसके मुख से निकला वाहेगुरु तथा मूर्छित हो गया। नगर की स्त्रियों ने देखा, भागता आता हुआ राही गिरकर मूर्छित हो गया है। उन्होंने शोर मचाकर गांव के आदमियों को बुला लिया। मर्दों ने भाई सुजान चंद को उठाया, चारपाई पर लिटाकर उसकी सेवा की। नंगे पांव में छाले थे, रक्त बह रहा था, पैरों को गर्म पानी से धोया, उसे होश में लाया गया। जब होश आई तो पास मर्द स्त्रियों को देखकर उसके मुंह से सहज ही निकल गया, धन्य कलगी वाले पिता, आपने कहाँ जाना है? गांव के मुखिया ने पूछा। कहीं नहीं, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया हूँ, मेरा मन कहता है मैंने यही रहना है, मैं वैद्य हूँ, रोगियों दुखियों की सेवा तन मन से करूँगा। बताओ, जिनको रोग है मैंने कोई शुल्क नहीं लेना, मैंने यहाँ रहना है, भोजन पान तथा सेवा करनी है, सुजान चंद जी ने उत्तर दिया था। सुनने वाले खुश हुए कि परमात्मा ने उन पर अपार कृपा की। वह गरीब लोग थे, गरीबी के कारण उनके पास कोई नहीं आता था, उनके धन्य भाग्य जो हकीम आ गया। एक माई आगे बढ़ी, उसने कहा, मेरा बुखार नहीं उतरता, इसलिए मुझे कोई दवा दीजिए। अभी उतर जाएगा, यह चीज खा लो। चीज खाते समय मुंह से बोलना, धन्य कलगीधर पातशाह। वह माई घर गई, उसने वैद्य जी की बताई चीज को खाया, वह मुंह से कहा, धन्य गुरु कलगीधर पातशाह, सचमुच उसका बुखार उतर गया, वह अरोग हो गई। वैद्य की उपमा सारे गांव में फैल गई। एक तृण की झोपड़ी में उसने चटाई बिछा ली, बाहर से जड़ी बूटियां ले आया और रोगियों की सेवा करने लगा। चटाई पर रात को सो जाता तथा वाहेगुरु का सिमरन करता, आएगा रोगी की सेवा करता। इस तरह कई साल बीत गए, पत्नी बच्चे तथा माता पिता याद ना आए, अमीरी लिबास तथा खाना भूल गया। वह एक सन्यासी की तरह विनम्र होकर लोगों की सेवा करने लगा। शाही मार्ग पर गांव था, जब रोगियों से फुर्सत मिलती तो राहगीरों को पानी पिलाने लग जाता। हर पानी पीने वाले को कहता, कहो धन्य गुरु कलगीधर पातशाह। यात्री ज्यादातर श्री आनंदपुर आते जाते थे, जो जाते वह श्री आनंदपुर जी जाकर बताते कि मार्ग में एक सेवक है, वह बहुत सेवा करता है, हरेक जीव से कहलाता है,
धन्य गुरु कलगीधर पातशाह। यह सुनकर गुरु जी मुस्कुरा देते। एक दिन ऐसा आ पहुंचा जिस दिन भाई सुजान की सेवा सफल होनी थी। उसके छोटे बड़े ताप संताप और पाप का खंडन होना था। खबर आई कि सच्चे सतगुरु जी आखेट के लिए इधर आ रहे हैं। यह खबर भाई सुजान को भी मिल गई। हृदय खुशी से गदगद हो गया। दर्शन करने की लालसा तेज हो गई। व्याकुल हो गया पर डर भी था कहीं दर्शन करने से ना रह जाए, भाग्य जवाब ना दे जाए। आखिर वह समय आ पहुंचा। गुरुजी गांव के निकट पहुंच गए। नगरवासी भागकर स्वागत के लिए आगे जाने लगे पर उस समय एक माई ने आकर आवाज दी, पुत्र जल्दी चलो, मेरी पुत्र वधू के पेट में दर्द हो रहा है, उसकी जान बचाओ, उसे उदर स्फीति हो गई है, गरीब पर दया करो, चलो सतगुरु तुम्हारा भला करे, जल्दी चलो। भाई सुजान के आगे मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ रोगी चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ कलगीधर पिताजी आ रहे हैं। गुरुजी के दर्शन करने अवश्य हैं, पर रोगी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। यदि माई की पुत्र वधू मर गई तो हत्या का भागी भाई सुजान होगा, उसकी आत्मा ने आवाज दी। भाई सुजान, क्यों दुविधा में पड़े हो, रोगी की सेवा करो। तुम्हें सेवा करने के लिए दाता ने हुक्म किया है, उस प्रीतम का हुक्म है, गुरु परमेश्वर के दर्शन लोक सेवा में है। उसी समय भाई सुजान दवाइयों का थैला उठाकर माई के घर को चल दिया। लोग उत्तर दिशा की तरफ दौड़े जा रहे थे, भाई सुजान दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था। लोगों को गुरुजी के दर्शन करने की इच्छा थी तथा भाई सुजान को रोगी की हालत देखने की जल्दी थी। लोग गुरुजी के पास पहुंचे तथा भाई सुजान माई के घर पहुंच गया। उसने जाकर माई की पुत्र वधू को देखा, वह सचमुच ही कुछ पल की मेहमान थी। उसने उसे दवाइयां घोल कर पिलाई, वैदिक असूलों के अनुसार देख रेख की हिदायतें दी, पर पूरा एक घंटा लग गया। माई की रोगी पुत्र वधू खतरे से बाहर हो गई। उसकी उदर स्फीति अब धीमी हो गई, पेट का दर्द नरम हो गया। भाई सुजान जी दवाइयां देकर वापस मुड़े। जल्दी जल्दी आए तो क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के आगे लोगों की बहुत भीड़ है, घुड़सवार खड़े हैं, सारा गांव इकट्ठा हुआ है। भाई सुजान भीड़ को चीर कर आगे चले गए। झोपड़ी के अंदर जाकर क्या देखते हैं कि नीले पर सवार सच्चे पातशाह गरीब की चटाई पर बैठे हुए छत की तरफ देख रहे हैं। जाते ही भाई सुजान सतगुरु जी के चरण कवलों पर गिर पड़ा। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चरण पकड़कर विनती की, करामाती प्रीतम, दाता कृपा की, जो गरीब की झोपड़ी में पहुंचकर गरीब को दर्शन दिए, मेरे धन्य भाग्य। भाई सुजान निहाल, सच्चे सतगुरु जी ने वचन किया, सचमुच तुमने गुरु नानक देव जी की सिक्खी को समझा है, गरीबों की सेवा की है, यही सच्ची सिक्खी है। उठो अब श्री आनंदपुर को चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। गुरु के वचनों को मानना सिख का परम धर्म है। उसी समय उठकर भाई सुजान गुरु जी के साथ चल पड़ा तथा श्री आनंदपुर पहुंचा। गुरु जी ने आपको अमृत पान करवा कर सिंह सजा दिया, नाम सुजान सिंह रखा। लाहौर से परिवार भी बुला लिया, परिवार को भी अमृत पान करवाया गया। सारा परिवार भाई सुजान सिंह को मिलकर बहुत खुश हुआ। भाई सुजान सिंह की धर्म पत्नी जिसने कई साल पति की जुदाई सहन की तथा पति के हुक्म में सती के समान रही, उसके हृदय को कौन जान सकता है।